ये बच्चे कितने छोटे हैं, ये किसी राजा के लड़के यहाँ घूम रहे हैं, तुमने इनको प्रणाम किया? देखो ये संसार है, है? ये संसार है, कोई जाता है कोई आता है। अच्छा तो उसी समय आज माता सती भोले बाबा से पूछ रही हैं, तो भोले बाबा समझा करके कहने लगे कि सती ये कोई बच्चे नहीं है बल्कि भगवान विष्णु के अवतारी। आवाज बना मैं इनमें खींच रहो बोलो। भगवान विष्णु के अवतारी भगवान प्रभु श्री राम हैं और शेषावतारी लक्ष्मण हैं। सती तुम्हें नहीं पता इनकी पत्नी सीता का हरण हो गया है और उसनी के लिए खोज रहे हैं वन में। सती कहने लगी ऐसी बात है। बनाओ ना आवाज, आवाज ना। हेलो हेलो, प्रेम से बोलिए, बोलते भगवान की, प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान भोले बाबा कहने लगे सती जग कारण तारण भवो रजनी भंजन भाव विप्रदेन सुर संत हित लिया मनुज अवतार। और हमारे बड़े भ्राता 50 मुद्रा भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं मंगल में ही कामना धर्म मंच की तरफ से। भगवान भोले बाबा कहने लगे कि सती इस पृथ्वी पर राक्षस बहुत बढ़ गए हैं, उसी का भूभार हटाने के लिए इन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया है। हाँ तो उसी समय माता सती क्या बोली है, क्या बोली? सती बोली महाराज सुनो और नाह तुम्हें क्यों बहकाते हो, जो ईश्वर तरफ व्यापक है। सती कहने लगी अरे ईश्वर का अवतार, अरे जो हवा में रम रहा है जगह जगह बस रहा है, बना उसका अवतार कैसे होगा? जो ईश्वर तरफ व्यापक है तो अवतार बना कैसे होगा, अवतार बना कैसे होगा जिसका कोई आधार नहीं। आज माता सती कहने लगी है कि हमारे लिए पागल बनाते हो तुम, ए भोले बाबा। अरे जो ईश्वर जगह जगह रम रहा है कण कण में, कण कण में प्रभु वो रम रो है, बस।
सती कहने लगी हमें पागल बनाते हो, तुम ये समझते हो कि स्त्रियां कोई बात जानती नहीं है? ऐसी बात नहीं है। काफी देर